दोस्तों इरशाद कामिल ने लिखा है कि जो है देखा वही देखा तो क्या देखा है, देखो वो जो औरों ने ना कभी देखा है। इसको बहुत बढ़िया गाया गया है लेकिन हमने ऐसी बक दिया है। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि आज से 21 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक कमाल की रोशनी इजाद की, अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ लाइट। इस लाइट से उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। अब ये साइंटिस्ट उस खास किस्म की लाइट से बहुत धांसू टेक्नोलॉजी बनाने में जुटे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी मानव जाति को एक अलग मकाम पर ले जाएगी। देखिए पहेलियों और कविताओं में आपको नहीं उलझाऊंगा। इस कमाल की रोशनी का नाम है एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट। इसकी बदौलत मेडिकल साइंस, कंप्यूटिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तमाम डोमेन्स में क्रांतिकारी बदलावों की आस लगाई जा रही है। एटोसेकेंड फिजिक्स की शुरुआत आज से करीब 30-40 साल पहले हुई थी, जब साइंटिस्ट ने एटोसेकेंड पल्सेस बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। इन्हीं एटोसेकेंड पल्सेस से जुड़े बुनियादी काम के लिए 2023 का फिजिक्स नोबेल प्राइज दिया गया है। 3 एपिसोड की सीरीज में हम आपको एटोसेकेंड पल्सेस की, एटोसेकेंड फिजिक्स की जबरदस्त कहानी सुना रहे हैं। इस सीरीज के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने फास्ट मोशन कैप्चर के बेसिक्स, लेजर पल्सेस और एटोसेकेंड पल्सेस की शुरुआत की कहानी जानी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पहली एटोसेकेंड पल्सेस कैसे बनाई गई और इनसे किस तरह के बेहतरीन काम किए जा रहे हैं। इस एपिसोड में हम पहले के मुकाबले जरा एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डील करने वाले हैं, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, तुम्हारा भाई है तो सब आसान भाषा में समझाएगा। टिप्पणीकारों की माने तो गली मोहल्ले नुक्कड़ और छपरियों वाली भाषा, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। देखिए मित्रों, अच्छी चीजें जो है वो धीमी आंच पे पकती हैं और इसमें मसाले भी पर्याप्त डालने चाहिए। आपको ये जटिल और बेहद दिलचस्प फिजिक्स समझने में सहूलियत हो, इसलिए हमने पिछली 2 वीडियोस खर्च की हैं और इस तीसरी वीडियो में हम एटोसेकेंड फिजिक्स का भविष्य और निचोड़ समझने जा रहे हैं। अपन जानेंगे कि ये लाइट हमें किस मोड़ पर ले आई। तीसरे एपिसोड को शुरू करने से पहले अपन पिछले 2 वीडियोस का हल्का सा रिकैप ले लेते हैं। जिसने बहुत अच्छे से वीडियोस देखी हैं वो मतलब स्किप कर सकते हो नीचे टाइम स्टैम्प देख के। बाकी यार मेरे हिसाब से रिवीजन अच्छा होता है, कोई भी हो हल्का पतला रिवीजन चलते रहना चाहिए। एटोसेकेंड फिजिक्स के एपिसोड 1 में हमने समझा कि नेचर में चीजें हमारे आपके विजुअल परसेप्शन की औकात से बाहर हो रही हैं। इस सीमित औकात के चलते पंखे के घूमने से लेकर हमिंग बर्ड के पंख फड़फड़ाने तक की इवेंट हमें ब्लर दिखाई देती है, लेकिन हमारे पास कैमरा जैसे डिवाइसेस हैं जो हमें इन मॉर्टल लिमिट्स के बाहर की चीजें देखने और समझने के काबिल बनाते हैं। फिर हमने ये भी समझा कि कैसे कैमरा में शटर के जरिए सामने तेज घट रहे सीन्स की लाइट को टुकड़ों में बांटा जाता है और उन छोटे मूवमेंट्स की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है जिसे हम अपनी स्पीड पर आसानी से समझ सकते हैं। और हमने ये जाना कि सामने जितनी तेजी से कोई चीज मूव कर रही है उससे आने वाली लाइट फ्लैशेस या पल्सेस को भी उतने छोटे टाइम पीरियड में लिमिट करना होता है। हमने ये भी देखा कि यूनिवर्स में जितने छोटे स्केल पर जाते हैं चीजें उतनी तेज मूव करने लग जाती हैं। और अपने इन आधुनिक कैमराज के शटर पटर की भी एक लिमिट होती है, इनसे लाइट कंट्रोल करने जाएंगे तो बारीक लेवल की चीजें ब्लर दिखेंगी। बारीक मतलब एटॉमिक लेवल की चीजें जो बहुत तेजी से घट रही हैं, ये एटोसेकेंड के स्केल पर घटती हैं। जैसे हम मनुष्यों का दिल सेकेंड्स में धकधकाता है, वैसे ही परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन एटोसेकेंड स्केल पर फड़फड़ाते हैं। और मनुष्यों का एक सेकेंड इज एज ऑफ यूनिवर्स यानी 14 अरब साल की तुलना में जितना छोटा है, उतना ही छोटा परमाणुओं का एक एटोसेकेंड है मनुष्यों के एक सेकेंड की तुलना में। हमारे एक सेकेंड के अरबवें हिस्से से भी एक अरब गुना छोटा टुकड़ा, समय की इतनी बारीक इकाई पर हमारे आधुनिक कैमराज के शटर इत्यादि भी कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस शटर की जगह उस लाइट को ही कंट्रोल करना मुनासिब समझा जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मारी जाती है जिससे वो विजिबल हो पाता है। इस तरह तेज घटनाओं को देखने में लाइट पल्सेस की एंट्री होती है जो कि बहुत शॉर्ट फ्लैशेस ऑफ लाइट होते हैं जिन्हें बहुत छोटे और नियमित इंटरवल पर पैदा किया जाता है। और यहाँ से कहानी में लेजर की एंट्री होती है क्योंकि लेजर्स ऐसे बेहतरीन उपकरण हैं जिनसे लाइट को मैनिपुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है बहुत कायदे से। इसलिए इन्हें अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट बनाने के लिए बेस्ट कैंडिडेट की ख्याति प्राप्त हुई और अल्टीमेटली एटोसेकेंड पल्सेस बनाने की कहानी लेजर से जुड़े प्रयोगों से जन्म लेती है। यहाँ भाग एक खत्म होता है और भाग आयुष भाग की तर्ज पर दूसरा भाग आता है। दूसरे एपिसोड में हम एटोसेकेंड पल्सेस के जन्म की कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुनने के लिए हमने वेव मैकेनिक्स के कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट समझे, जैसे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, साउंड वेव्स की हार्मोनिक्स क्या होती हैं, इसमें कुछ फंडामेंटल टोन होती हैं और फिर उसकी मल्टीपल में फ्रीक्वेंसी की कुछ हायर हार्मोनिक्स होती हैं जिन्हें हम ओवरटोन्स भी कहते हैं। हमने जाना कि प्रकृति में कैसे हर तरफ तरंग ही तरंग है और कैसे इन तरंगों में एक हार्मनी देखने को मिलती है, इसलिए साउंड वेव्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइट वेव्स पर भी अप्लाई होते हैं क्योंकि ये सब तरंगें ही हैं अल्टीमेटली वेव्स।
फिर 80 और 90 के दशक में हालात कुछ ऐसे हुए कि कुछ साइंटिस्ट ने रोशनी की तरंगों से संगीत बनाना सीख लिया। संगीत कोट अनकोट में है, मतलब शॉर्ट लाइट पल्स बनाने की कहानी शुरू हुई। फ्रेंच स्वीडिश फिजिसिस्ट एन लुइलिए ने एक नोबल गैस से इंफ्रारेड लेजर पास करवाई और उन्हें नतीजतन इससे कई गुना फ्रीक्वेंसीज की हायर हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स प्राप्त हुई। यहाँ हमने ये समझा था कि कैसे सही तरीके से इंटरफेरेंस करवाकर इन हायर हार्मोनिक्स से शॉर्ट लाइट पल्सेस बनाई जा सकती हैं। इस तरह आप इंफ्रारेड सरी की लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ वाली तरंगों से इससे कई गुना छोटी पल्सेस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो सब थ्योरेटिकल बातें थी, इन्हें असलियत में बनाना बेहद जटिल और मुश्किल काम है। तो एन लुइलिए के बाद और बाकी वैज्ञानिकों के बाद इससे आगे का बेड़ा मुख्यतः दो साइंटिस्ट ने उठाया, जिनके नाम हैं पियर एगोस्टिनी और फेरेंस क्राउस। पिछला एपिसोड हमने इस वादे के साथ खत्म किया था कि तीसरे और आखिरी एपिसोड में हम इन्हीं मनीषियों के कूल कर्मों की कहानी आपको सुनाएंगे। तो अब सुनिए आगे की कहानी एटोसेकंड फिजिक्स के एपिसोड 3 में। अस्सी और नब्बे के दशक में एन लुइलिए, पॉल क्रॉकम और उनके साथियों ने जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल ग्राउंड वर्क तैयार किया, उससे ये पक्का हुआ कि हाई हार्मोनिक जनरेशन के जरिए लाइट की एटोसेकेंड पल्सेस बनाई जा सकती हैं। ये काम उन्होंने 80 और 90 के दशक में किया, लेकिन एटोसेकेंड पल्सेस के बनने के शुरुआती प्रमाण साल 2001 में मिल पाए। इस दौरान कुछ और वैज्ञानिकों ने एटोसेकेंड पल्स ट्रेन प्रोड्यूस और मेजर करने की दिशा में काम किया। फ्रांस के CEA में एक ऐसे ही वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है पियर एगोस्टिनी। साल 2001 में एगोस्टिनी कुछ एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देते हैं और इन प्रयोगों के जरिए वो एटोसेकेंड पल्सेस को सक्सेसफुली प्रोड्यूस और इन्वेस्टिगेट करने में सफल रहे। CEA में उनकी टीम और एक दूसरे ग्रुप ने एक पल्स ट्रेन बनाई और बताया कि पल्स की ड्यूरेशन 250 एटोसेकेंड है। ये पहला ऐसा मौका था जब एटोसेकेंड पल्सेस की ड्यूरेशन मेजर करने की दिशा में सिंपल टेक्निक्स पेश की गई। एगोस्टिनी और उनके साथियों ने जो मेजरमेंट का तरीका सामने रखा उसे रैबिट टेक्निक कहते हैं, ये एक्रोनिम है। जरा मजे मजे में इसका भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लेते हैं अपन। देखिए मित्रों, इस सेटअप में कई सारी चीजें देख रही हैं, उसको देख के तसब सेटअप आपको घबराना नहीं है। दरअसल ये पैरेलल चल रही एक बहुत ही रोचक कहानी की टाइमलाइन है और इसे हम आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले पियर एगोस्टिनी ने एक इंफ्रारेड लेजर बीम तैयार की। याद कीजिए 1987 में एन लुइलिए ने भी इसी इंफ्रारेड बीम को नोबेल गैस से पास करवाया था और इसके नतीजतन उसकी ओवरटोन्स या हाई फ्रीक्वेंसी वाली हार्मोनिक्स पैदा होती हैं। फिर 90 के दशक में इन ओवरटोन्स को मिलाकर शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट बनाने का एक ख्वाब देखा गया, थ्योरी तैयार हुई। अब 21वीं सदी में 2001 के आसपास पियर एगोस्टिनी उसी ख्वाब को जमीन पर उतारने जा रहे हैं। लेकिन पियर एगोस्टिनी का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। वो इस IR लेजर बीम को सीधे नोबेल गैस में नहीं मारते, पहले तो वो एक बीम स्प्लिटर लगाकर इसके दो हिस्से करते हैं। हमने क्वांटम इंटरफेरेंस वाली वीडियो में बीम स्प्लिटर की महिमा जानी थी। ये बीम स्प्लिटर IR लेजर बीम को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता है, बांट देता है। ये वैसा है जैसे किसी पानी की धार को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। बीम स्प्लिटर लाइट की धारा यानी लेजर बीम के साथ यही करता है। एक ही सोर्स से निकली लेजर की बीम दो एक जैसी धाराओं में बट जाती है आधी आधी। कहानी के अंत में ये दोनों धाराएं जाके मिल जाती है, इनका संगम होता है, लेकिन बीच में बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो अपन वो बीच की कहानी पहले जानते फिर अंत पे चलेंगे। देखो, इन दो लेजर बीम्स से एक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, उसे ऐसे ही ओरिजिनल फॉर्म में आगे बढ़ने दिया जाता है। बस उसे जरा यहां वहां भटका दिया जाता है ताकि उसे संगम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगे जहां उसे मिलना है, और वो एक निर्धारित समय पर ही अपने बिछड़े पिया से मिले, क्योंकि पिया जो बिछड़ गया है बीम स्प्लिटर से, उसको आने में अभी टाइम लगने वाला है। वो पिया जो बीम स्प्लिटर से निकलकर इनसे बिछड़े, वो परदेसी हो गए और अपने सफर में अलग अलग मुकामों से होकर पहुंचते हैं। देखिए जरा इनके साथ क्या क्या होता है। लेजर बीम के इस दूसरे हिस्से को नोबेल गैस से गुजरना पड़ता है और जैसा कि विधि का विधान है, यहां से गुजरने पर इस इंफ्रारेड वेव की हायर हार्मोनिक्स पैदा होने लगती हैं। ये ओरिजिनल वेव तो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी रेंज में थी, जो कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती थोड़ी सी। जब ये गैस से गुजरती है तो इसकी मल्टीपल टाइम्स फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स निकलती हैं, जिन्हें हायर हार्मोनिक्स कहते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली। 1987 में यही खोज की थी एन लुइलिए और उनके साथियों ने, और ये बताया गया कि इनकी सही फेज मिलाकर अगर इंटरफेरेंस करवाया जाए तो इससे ओरिजिनल IR वेव से कई गुना छोटी पल्स बनाई जा सकती है। अब पियर एगोस्टिनी यही थ्योरेटिकल दावा अपने एक्सपेरिमेंट में जांचने जा रहे हैं। पहले ये बिछड़े पिया हायर हार्मोनिक्स वाली फ्रीक्वेंसीज वाली वेव्स में तब्दील होते हैं, फिर
इनसे इंटरफेरेंस के जरिए शॉर्ट पल्सेस बनती हैं। लेकिन ये कैसे माने, किसे पता कि असल में एटोसेकंड पल्सेस बनी है कि नहीं बनी है? वो तो बहुत छोटी होती है ना, मतलब लाइट से ही चेक करेंगे और उससे छोटी लाइट है नहीं तो कैसे चेक करेंगे। तो पियर एगोस्टिनी के इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की खासियत ही यही है कि इससे वो मेजरमेंट वाला काम भी किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आगे जाकर परदेसी पिया अपनी बिछड़ी हुई सहेली से मिलते हैं। ये जो सहेली है ये दर दर की ठोकर खाकर भी बदलती नहीं है, उसका मूल स्वरूप वही इंफ्रारेड वेव वाला रहता है। वो यहाँ आकर अपने सनम से मिलती है और ये तो शहर जाकर बदल गया भाई, इसको हवा लग गई शहर की है, ये IR वेव बनकर गांव से निकला था और नोबल गैस से होकर पहले हायर हार्मोनिक्स बना, फिर इंटरफेरेंस के बाद इसकी शॉर्ट पल्स में तब्दील हुई है। जब ये दोनों बिछड़े पिया इस पॉइंट पर जाकर मिलते हैं तब पता चलता है कि सच में एटोसेकंड पल्स बनी है या नहीं बनी है। ये सहेली इससे कहती है यार तू शहर जाकर बदल गया यार, और सिर्फ यही नहीं कहती, वो ये भी बताती है कि तू कितना बदल गया। टेक्निकल भाषा में कहें तो इस ओरिजिनल वेव के जरिए इस पल्स की विड्थ भी पता की जा सकती है। एगोस्टिनी के सेटअप का भौकाल यही है कि इससे ना सिर्फ एटोसेकंड पल्स की ड्यूरेशन की पुष्टि होती है बल्कि ये भी पता चलता है कि पल्स ड्यूरेशन कितनी है, मतलब कितने एटोसेकंड की पल्स जनरेट हुई, उसकी विड्थ क्या है। ये कमाल का काम था पियर एगोस्टिनी का, जिसने एन लुइलिए और पॉल क्रोकम जैसे साइंटिस्ट की थ्योरी को जमीन पर उतारा और एटोसेकंड पल्स की कॉलर पकड़कर उसे नापने का तरीका पेश किया। एगोस्टिनी की इस खोज के नतीजे 1 जून 2001 को प्रकाशित हुए। इनका ये काम एटोसेकंड फिजिक्स के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब इससे काफी सारी चीजें की जा सकती थीं जो पहले मुमकिन नहीं थीं। इसी दौरान लेकिन पैरेलल में एटोसेकंड पल्सेस से बेहतरीन काम करने की दिशा में कुछ और साइंटिस्ट भी लगे हुए थे। पियर एगोस्टिनी के समकालीन एक और फिजिसिस्ट एटोसेकंड पल्सेस को नई गहराइयों तक, नए आयामों तक ले जा रहे थे। ये हमारे तीसरे नोबेल लॉरिएट हैं जिनका नाम पहले ही बहुत बार आ चुका है, श्री फेरेंस क्राउस। फेरेंस क्राउस फुल टाइम फिजिसिस्ट के अलावा एक एमेच्योर फोटोग्राफर भी रहे हैं। उन्हें दृश्यों को कैमरे में कैप्चर करने से एक अलग सुख मिलता है ऐसा वो बताते हैं। फिजिक्स के अपने करियर में इनकी दिलचस्पी एटॉमिक लेवल पर हो रही घटनाओं में बढ़ती है, लेकिन वो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बदलते हैं और तेजी से बदलती घटनाओं को किसी साधारण डिवाइस से इनका मोशन कैप्चर करना आसान नहीं है। लेकिन फेरेंस क्राउस इस आइडिया से भी काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं कि नई लेजर टेक्निक्स की बदौलत लाइट की बेहद शॉर्ट पल्सेस बनाई जा सकती हैं और इन शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट के जरिए इलेक्ट्रॉन्स के फास्ट मोशन को कैप्चर किया जा सकता है। अर्ली 2000s में क्राउस अपनी टीम के साथ एटोसेकंड पल्सेस को खंगालने में जुट जाते हैं। साल 2001 में फेरेंस क्राउस और उनके साथियों ने पहली एटोसेकंड पल्स जनरेट की। फिर इस ग्रुप ने एक और कमाल का काम कर दिखाया, उन्होंने पल्स ट्रेन जो कि एटोसेकंड पल्सेस की एक श्रृंखला होती है लाइन से, उनमें से एक पल्स को अलग कर दिया। आप इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कई एटोसेकंड पल्सेस की एक ट्रेन जा रही है और उनकी अलग अलग पल्सेस इस ट्रेन की अलग अलग बोगियां हैं और इस ट्रेन में से एक इंडिविजुअल बोगी को अलग करके उसे अलग ट्रैक पर ले जाएं। फेरेंस क्राउस के ग्रुप ने एटोसेकंड पल्सेस के साथ यही काम किया, एक एटोसेकंड पल्स ट्रेन से सिंगल पल्स को अलग करने का प्रोसीजर बहुत ज्यादा जटिल था। ये देखिए, ये फेरेंस क्राउस का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, हम इसकी डिटेल में नहीं घुसेंगे, बस इसका दीदार कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और इतना जान लीजिए कि एक एटोसेकंड पल्स को ट्रेन से अलग कर लेना बहुत बड़ी बात थी और ये बड़े काम की चीज साबित हुई आगे चलकर। इन एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट के जरिए फेरेंस क्राउस और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उनकी टीम ने पहली बार एटॉमिक स्केल पर इलेक्ट्रॉन की हरकतों पर नजर मारी। लगभग 650 एटोसेकंड की लाइट पल्सेस का इस्तेमाल करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन एमिशन को दर्ज किया। ये पहला मौका था जब इलेक्ट्रॉन्स की हरकतों पर रियल टाइम में नजर रखी जा रही थी। सोचिए किसी को कितना अचरज से भर देता होगा वो देखना, जिसे किसी मनुष्य ने आज तक नहीं देखा है। यही अचरज हुआ फेरेंस क्राउस और उनकी टीम को, और यहाँ से एटोसेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक नई धारा का उदय हुआ। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है लाइट या रेडिएशन के जरिए किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, और एटोसेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब एटोसेकंड के स्केल पर घट रही घटनाओं की जानकारी हासिल करना अल्ट्रा शॉर्ट फ्लैशेस या पल्सेस ऑफ लाइट के जरिए। इन फ्लैशेस के जरिए एटॉमिक स्केल पर पहली बार इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जुड़े ऑब्जर्वेशन लिए गए। इलेक्ट्रॉन की हरकतों की झलकियां पाना बहुत काम की नजर है गुरु। इसकी महिमा समझने के लिए एक बार ब्रह्मांड और मानव जीवन और समस्त बायोलॉजिकल लाइफ में इलेक्ट्रॉन के महत्व को जान लेते हैं। इसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि आखिर एटोसेकंड पल्सेस से इलेक्ट्रॉन्स पर नजर रखी कैसे जाती है, वो बाद में बताएंगे, पहले आप महत्व जानिए इलेक्ट्रॉन का। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स यानी परमाणुओं के भीतर घूमते पाए जाने वाले सबसे चर्चित सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन्स की हरकतों से उसके एटम का रवैया तय होता है। अगर किसी चीज का बिहेवियर पता करना है, उसे समझना है, तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना होगा। इसलिए फिजिक्स और समूचे विज्ञान जगत में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत पूंछ है। जो हमारे आधुनिक युग की शुरुआत हुई ना,
ये इलेक्ट्रॉन्स की समझ दुरुस्त होने से ही शुरू हुई। इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉनिक्स का उदय हुआ, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर और तमाम डिजिटल इन्फॉर्मेशन का जन्म हुआ जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और समय का चक्र गुरु ऐसा चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स से चल रहे ये डिवाइस इंटेलिजेंट होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, जिसका चर्चा AI का आजकल जगह जगह गली मोहल्ले नुक्कड़ सब जगह है। हमारे जीवन में इलेक्ट्रॉन्स का रोल ऐसा है कि हमने अपनी तरुणाई में 4 महत्वपूर्ण साल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में खपा दिए। हालांकि तब हमें पता नहीं था कि ये क्या बवाल चीज है, हम ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन ठीक है, जो है तो है। और यार अब आप ये समझिए, इलेक्ट्रॉन्स केवल हमारी सभ्यता को झटका देने वाले डिजिटल डिवाइसेस तक सीमित नहीं है। आप स्वयं इलेक्ट्रॉन्स से चल रहे हैं। पृथ्वी पर जो भी बायोलॉजिकल लाइफ है उसके कण कण में इलेक्ट्रॉन्स गतिमान है। जो भी परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, जितने भी एटॉमिक बॉन्ड्स हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन से ही तय होते हैं। देखो, कौन से दो एटम आपस में कैसे और कितनी मजबूती से जुड़े रहेंगे, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन से तय होता है। इलेक्ट्रॉन्स इस बायोलॉजिकल लाइफ को और पूरी दुनिया को जोड़े रखने वाले सीमेंट का काम करते हैं। तो इस भौतिक जगत के कण कण में इलेक्ट्रॉन्स विराजमान है और गतिमान है। देखो, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स विराजमान है, इससे अपन को कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है। ये तो हमें चीजों को समझने में आसानी होती है क्योंकि सब में एक ही चीज है, तो समझने में आसानी होगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स गतिमान है, ये थोड़ा सा अपने लिए चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की गति लंबे समय तक हम मनुष्यों की औकात के बाहर रही। देखो यार, आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ह्यूमन रेस और आवर एंसेस्टर्स। आपको औकात अजीब लग रहा होगा। आपको पता है उर्दू में औकात इज प्लूरल फॉर वक्त, टाइम, जैसे हाल का प्लूरल हालात, जज्बे का जज्बात, वैसे ही टाइम वक्त का औकात। ताऊ ने बताया था हमको, बेटा 3 ताल पॉडकास्ट सुना करो। बहरहाल, ह्यूमंस का जो साधारण टाइम स्केल है, विच इज आर हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स उससे बहुत बारीक टाइम स्केल पर, यानी एटो सेकंड स्केल्स पर मूव करते हैं। वो लिटरली हमारे टाइम यानी हमारी औकात के बाहर घूम रहे हैं। लेकिन इंसान समय समय पर अपनी औकात में इजाफा करता रहा है, जैसे कि एटो सेकंड फिजिक्स की नींव रखने वाले साइंटिस्ट ने किया। वो हमारी नजर को उस बारीक एटो सेकंड टाइम स्केल पर ले गए जहां कोई नहीं गया था। अब हम जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एटो सेकंड पल्सेस के सहारे साइंटिस्ट लोग इलेक्ट्रॉन्स की हरकतों पर नजर रखते कैसे हैं। बहुत देर से बिल्डअप चल रहा है गुरु, 2-3 वीडियो से, अब मेन कोर्स सर्व करने का वक्त हो चला है। एटो सेकंड पल्सेस के सहारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की फोटो खींचने का जो एक चर्चित और समझने में आसान तरीका है, जिसे पंप प्रोब टेक्निक कहते हैं, ये क्या भला है, ये आपको समझाते हैं आसान भाषा में। देखो कुछ नहीं यार, इसमें एटम के अंदर टहल रहे इलेक्ट्रॉन्स की फोटो खींचने के लिए 2 पल्स भेजी जाती हैं। इनमें जो पहली वाली पल्स होती है उसको कहते हैं पंप। ये वाली पल्स इलेक्ट्रॉन्स को पोज देने के लिए मजबूर करती है, उनके साथ थोड़ा धक्का मुक्की करती है ये पल्स। इस धक्का मुक्की से जब इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा पोज देने लगते हैं, तब दूसरी पल्स भेजी जाती है और इस दूसरी लाइट पल्स को कहते हैं प्रोब। ये वाली पल्स पंप के कारण हिल डुल रहे इलेक्ट्रॉन्स की फोटो खींच लेती है सीधे। ये वैसा ही है जैसे आपको अपने किसी दोस्त की कैंडिड फोटो खींचनी हो, तो आप उसे डराने के लिए एक नकली सांप फेंक दो उसके ऊपर, तो उसकी चोक खोलेगी, फिर आप उसकी फोटो खींच लो उस डरी हुई अवस्था में, क्या बेहतरीन फोटो आएगी, जीवन भर के लिए दिखाने के लिए रहेगी है। तो यहाँ जो अपन हलचल मचाने के लिए सांप फेंक रहे हैं, दैट इज पंप। और उसके बाद डिस्टर्ब अवस्था में जब अपने आप दोस्त की फोटो खींच रहे हैं कैमरे से, दैट इज प्रोब। इस मेथड की, पंप प्रोब मेथड की खासियत यह है कि आप अलग अलग मूवमेंट पर इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप पंप और प्रोब के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बदलते जाएं, तो जब पंप और प्रोब भेजने के बीच कम टाइम गैप रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन पंप होने के तुरंत बाद की जो हालत है वो कैप्चर हो जाएगी। अगर आप इन दोनों के बीच ज्यादा टाइम गैप रखेंगे, तो थोड़ी देर बाद पंप की क्या हालत होगी वो जाके प्रोब देखेगी। तो आप एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम से पूरे डायनेमिक्स को स्टडी कर सकते हैं इस पंप प्रोब की, इसका टाइम ड्यूरेशन बदल के आपस में। जैसे ना किसी हाई स्पीड मोशन पिक्चर में आप उसकी फ्रेम रेट को बदलकर उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से 0.5x, 0.7x स्लो देख सकते हैं, उसी तरह इस मेथड से आप इलेक्ट्रॉन्स का उनकी सराउंडिंग के साथ क्या व्यवहार है उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। देखो, मैं आपको शुरू से ही एक चीज बताते आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की फोटो खींचना, फोटोग्राफिंग दी इलेक्ट्रॉन, ये हमने ना लेमैन के लिए कह दिया, लेकिन यार ये थोड़ा मिसलीडिंग है। इससे आप अपने मन में ये समझ नहीं बना लेना कि इलेक्ट्रॉन की फोटो खींच जाएगी, कैसा दिखता हो पता चल जाएगा, दीवार फ्रेम करा के रख लेंगे। नहीं यार, इलेक्ट्रॉन की वैसी फोटो वोटो नहीं आती जैसी मेरी बुलेट की या हमिंग बर्ड के पंखों की आ जाती। नहीं भाई, ये सब अपन लोग सब ये सब क्लासिकल फिनोमिना है, बड़े स्तर की घटना है, और इलेक्ट्रॉन सरी की जो चीजें हैं वो क्वांटम रेल में चल रही हैं। यहाँ सर्टेनिटी वगैरह नहीं होती, वहां पे कुछ भी निश्चित नहीं होता है, वहां वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी काम करती है। वो समझने के लिए आप क्वांटम मैकेनिक्स वाली अपनी प्लेलिस्ट देखिए आयुष्कारी की, थोड़ा सा और दिमाग का दही होगा, इतना हो गया थोड़ा और सही, क्या दिक्कत है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़िए जाके।
देखो असल में इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। असल में हम उस इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लाइट मारते हैं, फिर उस सिस्टम से होकर आ रही उस लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। उस लाइट से अंदाजा लगता है कि अंदर चल क्या रहा है। वैज्ञानिकों के ये जो अंदाजे हैं वो ठीक ठाक सटीक होते हैं, लेकिन अंततः ये है तो अंदाजे कि इलेक्ट्रॉन किस मूवमेंट पर कैसा बिहेव कर रहे हैं। अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है, मतलब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी खर्चा पानी चल जाता है, रिसर्च वर्च फंड हो जाती है, लेकिन हमें असल में इलेक्ट्रॉन्स के वैसे दर्शन नहीं मिलते जैसे हमें इस स्तर पर चीजों के देखने मिलते हैं, क्योंकि हमारा विजन और बाकी सेंसेस इस क्लासिकल जगत की चीजों को देखने के लिए बने हैं। और इलेक्ट्रॉन्स है क्वांटम वेव्स हैं ये सब लोग, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की जो हरकतें हैं उनके इंसाइट्स मिलना, उनकी एक्टिविटी का एक अंदाजा लगना, दैट्स द क्लोजेस्ट थिंग दैट वी कैन गेट टू सीइंग इलेक्ट्रॉन्स। इंग्लिश क्यों निकल रही है भाई, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आप समझिए। अब कुछ लोग कहेंगे चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन्स को देखने की खिड़की मिल गई, ठीक है क्या उखाड़ लिया, हाँ बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने, लेकिन इसका क्या प्रयोजन क्या है, इसका तुम करोगे क्या इलेक्ट्रॉन्स को देखकर? अपने आसपास की दुनिया में आंखें खोलकर देख लो, यही बहुत सारी समस्याएं हैं उनके समाधान निकालने बाकी हैं। कहाँ ये साइंटिस्ट लोग इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें, बिल्डिंगें, लेबोरेटरियां हैं, पैसा वेस्ट हो रहा है। भाई तुम्हारा इमोशन ठीक है, लेकिन ये एटोसेकंड फिजिक्स सिर्फ शो ऑफ वाली चीज नहीं है, ये नजरिया और पढ़ाई जो है हमारे बहुत काम की चीज है। देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन से पहले कि ये साइंस और फंडामेंटल रिसर्च की अपनी एक वैल्यू होती है जो सोसाइटी को नए फ्रंटियर्स पर आगे धकेलती है। साइंस और रिसर्च को परस्यू करने के पीछे हर वैज्ञानिक का मकसद उससे जुड़े कुछ एप्लीकेशंस निकालना ही नहीं होता है, बल्कि वो अपनी जिज्ञासा और मानवीय नश्वर सीमाओं को पार ले जाने के लिए ऐसा करते हैं। ये एक बहुत ही निज पर्पस के सहारे चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बावजूद सोसाइटी को इन्हें फंड करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब जब हमने अपने क्षितिज के पार देखा है, जब जब हमने अपनी सीमाओं को धकेला है, तब तब समाज के लिए कल्याणकारी रास्ते तैयार हुए हैं। कई बार फंडामेंटल साइंटिफिक रिसर्च के मायने कई सालों, दशकों या सदियों बाद समझ में आते हैं, और फिर परिणाम जो समाज कल्याण वगैरह है उसमें तब्दील होने में तो थोड़ा और वक्त लग जाता है, लेकिन जैसे ही नवाचार जमीन पर फलीभूत होता है उसी वक्त हमारा समाज एक लंबी छलांग मारने की शक्ति हासिल कर लेता है। ये अलग बात है कि इकोनॉमिक्स, व्यवसाय, बिजनेस, लोगों की अपना अहंकार, मूर्खता, इन सबके चलते अक्सर ऐसी छलांगें गलत दिशाओं में लग जाती हैं, लेकिन विज्ञान के पोटेंशियल पर सही दिशा चुनने की जिम्मेदारी नेताओं, पॉलिसी मेकर्स, समूचे प्रबुद्ध वर्ग और एक डेमोक्रेटिक समाज में सभी नागरिकों की है। कंट्रोल। बहरहाल एटोसेकंड फिजिक्स की शुरुआत तो कुछ लोगों ने क्यूरियोसिटी के शमन के लिए की थी, लेकिन नवाचार के लिए इसके मायने और समाज के लिए इसके फायदे बहुत बेहतरीन है। इसका जिन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल परखा जा रहा है, हम उनमें से कुछ चर्चित एरियाज पर एक नजर मारेंगे। देखो एटोसेकंड पल्सेस की मदद से वैज्ञानिक वो फिनोमिना भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जो पहले हमें लगता था कि इम्पॉसिबल है। जैसे हाइजनबर्ग ने कह दिया था, पहले जिन घटनाओं को इंस्टेंटेनियस समझा जाता था, अब हम जानते हैं कि उनमें भी जरा सा टाइम लगता है। अब एटोसेकंड फिजिक्स से हम उन टाइम ड्यूरेशन और उस दौरान जो डायनेमिक्स हैं उससे जुड़े सवाल हल कर सकते हैं, वहां की चीजें पता सकते हैं। न सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बल्कि एटोसेकंड स्केल पर इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, प्रभावित भी कर सकते हैं। एटोसेकंड साइंस में कुछ खास लेजर्स की मदद से केमिकल रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जो किन्हीं और तरीकों से मुमकिन ही नहीं। इसके मायने ये हैं कि इन केमिकल रिएक्शंस से ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे। ये तो लैब एप्लीकेशन हुई, रिसर्च में आगे काम आएगी, फिर फायदे देखेंगे। लेकिन लैब के अलावा अभी एटोसेकंड फिजिक्स अब मेडिकल डोमेन में यूज की जा रही है, उस दिशा में काम चल रहा है। इसकी मदद से ब्लड सैंपल्स को एनालाइज किया जा सकता है और उसके कंपोजिशन में बारीक बदलावों की जांच की जा सकती है। ये मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग के डोमेन में आता है। इसमें पहले किसी बायोलॉजिकल सैंपल जैसे कि खून को रेडिएशन से एक्साइट किया जाता है, फिर एटोसेकंड पल्स की मदद से उस ब्लड को स्टडी किया जाता है। कमाल की बात यह है कि हर मॉलिक्यूल का बारीक स्तर पर अलग से एक्साइटेशन होता है, मतलब हर मॉलिक्यूल की अपनी एक निशानी होती है, उसका अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। और अब एटोसेकंड फिजिक्स की मदद से उन मॉलिक्यूल्स के इन फिंगरप्रिंट्स की बारीक पहचान कर पाना मुमकिन है। ये मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग है जिसमें एटोसेकंड फिजिक्स बड़े काम की है। इसके जरिए किसी बायोलॉजिकल सैंपल को स्टडी करके उसमें ऐसे निशान खोजे जा सकते हैं जो किसी नई बीमारी के पैदा होने की आहट हो, उसके लक्षण हो। अगर कैंसर जैसी इन बीमारियों को शुरुआती स्टेज पर ही पकड़ लिया जाता है तो डॉक्टर्स को इनके इलाज में एक बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, उन्हें बेहतर तरीके से किया जा सकेगा इलाज। हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास भी मेडिकल डायग्नोसिस में सहयोगी भूमिका निभा रहा है, और एटोसेकंड फिजिक्स पर आधारित मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करेगी, या ये भी कह सकते
सकते हैं कि जैसे हमारी इंटेलिजेंस को काम करने के लिए एक सेंसरी सिस्टम आंख नाक कान की जरूरत होती है, ऐसे ही मेडिकल डोमेन में एटोसेकेंड पल्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विजुअल सेंस डेवलप करने में सहायक भूमिका निभाएंगी, जो कोई और नहीं कर सकता। तीसरा बड़ा बदलाव हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग की दुनिया में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में होने वाले कोई भी बुनियादी रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर डालने की कुव्वत रखती है। जैसे अभी साल दर साल कंप्यूटिंग स्पीड बढ़ाने पर काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो टाइम के साथ फास्ट होते जा रहे हैं और कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये कंप्यूटिंग स्पीड बढ़ाते रहना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। क्या है कि कंप्यूटर्स बेसिकली जिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से चलते हैं, बुनियादी उपकरण, उन्हें ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। आपने शायद सुना होगा ट्रांजिस्टर्स बहुत तेजी से स्विच ऑन ऑफ होते हैं, इसी के चलते सारी बाइनरी कंप्यूटिंग ऑपरेशंस मुमकिन हो पाते हैं। ये ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर हार्डवेयर की सबसे बुनियादी इकाई है और ट्रांजिस्टर्स की स्विचिंग स्पीड काफी हद तक कंप्यूटिंग की स्पीड भी डिसाइड करती है। अब क्या है कि लाइट की मदद से इन ट्रांजिस्टर्स को स्विच करवाएंगे तो ये बहुत तेजी से ऑन ऑफ होंगे, और हमने पूरी वीडियो में यही समझा है कि एटोसेकेंड पल्सेस आर्टिफिशियली पैदा और कंट्रोल करी जा सकने वाली लाइट पल्सेस में सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं। इन पल्सेस की मदद से अगर ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन ऑफ किया जाएगा तो वो सबसे कम टाइम में स्विच हो पाएंगे, सबसे फास्ट स्विच होंगे। इसका मतलब एटोसेकेंड पल्सेस की मदद से बहुत तेज स्पीड से ट्रांजिस्टर स्विचिंग करके कंप्यूटिंग स्पीड बढ़ाई जा सकती है। ऐसा दावा है कि इन टेक्निक से कंप्यूटर्स की स्पीड मौजूदा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से 1,00,000 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। देखो, ये तो ही क्लासिकल कंप्यूटर्स की बात, जो हमारे आजकल के मौजूदा कंप्यूटर्स हैं जो बाइनरी लॉजिक से चलते हैं, जिनमें ट्रांजिस्टर स्विच ऑन ऑफ 0-1 ये सब होता है। लेकिन कुछ अतरंगी किस्म के कंप्यूटर्स भी जन्म ले रहे हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हैं। इस चैनल के पुराने व्यूअर्स उनसे वाकिफ होंगे। अगर आप कंप्यूटिंग की दुनिया में डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आगे तो क्वांटम कंप्यूटर्स का जमाना आने वाला है, जिसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज में है, लंबी वीडियो थी। बहरहाल बात यह है कि एटोसेकेंड फिजिक्स क्वांटम कंप्यूटर्स में भी काम आ सकती है। कुछ क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनमें फोटॉन्स का इस्तेमाल होता है, फोटॉन्स यानी लाइट के सबसे बुनियादी इकाई, प्रकाश के कण, और एटोसेकेंड लेवल पर इन फोटॉन्स की समझ क्वांटम कंप्यूटर्स के विकास में मदद कर सकती है। ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है। इस तरह की संभावनाओं की लंबी सूची है। एटोसेकेंड फिजिक्स बहुत बवाल चीज है। आप देख सकते हैं कि लाइट और टाइम के लेवल पर बुनियादी विकास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर उस आयाम में असर डालते हैं जहां लाइट और टाइम का खेल है, which is pretty much everywhere. इसलिए वैज्ञानिकों के बीच में एटोसेकेंड फिजिक्स को लेकर खासा उत्साह है। हमारे जो तीसरे नोबेल लॉरिएट हैं श्री फेरेंस क्राउस, उनका और उनके संस्थान का काम इस एप्लीकेशंस की दिशा में नोटिसेबल है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स में गजब खेल चल रहा गुरु। फिलहाल फेरेंस क्राउस के नेतृत्व में एटोसेकेंड पल्सेस के जरिए मॉलिकुलर फिंगरप्रिंटिंग, अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटिंग और तमाम बेहतरीन टेक्नोलॉजी डेवलप करने का प्रयत्न चल रहा है। भारत में भी ऐसा कुछ चल रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, है ना। नहीं चल रहा हो तो करो, करवाओ। जोक सपाट, एटोसेकेंड फिजिक्स बहुत बवाल पढ़ाई है। इसमें वो देखने की जरूरत की गई जो अब तक किसी ने देखा नहीं था, जिसे हाइजनबर्ग ने अनऑब्जर्वेबल कह दिया था, और क्वांटम मैकेनिक्स की नींव पड़ी वो अलग कहानी है। इस फिजिक्स में वो जाना जा रहा है जिसे जानने की चेष्टा अब तक नहीं की गई, और इसकी मदद से ऐसे काम किए जा सकेंगे जो अब तक असंभव मालूम होते थे। और ये सब हो रहा है कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों के कर्म से, उनके पराक्रम से, जिन्होंने एक बहुत नैरो फील्ड में फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। इन्हीं में से 3 बेहतरीन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट को साल 2023 का फिजिक्स नोबेल प्राइज दिया जाएगा। इन वैज्ञानिकों ने वो नजर पैदा की जिससे बाकी वैज्ञानिकों का और समस्त खोजी सेपियंस जाति का शौक दीदार पूरा होगा, जिन्हें जर्रे जर्रे में महबूब की तलाश है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स और तमाम फिजिकल फिनोमिना जलवाए जानाना मालूम होते हैं। अरे आजकल नुसरत साहब को सुन रहे हैं, हकीकत का अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए, और इस तरह की जितनी भी गीत संगीत, इसलिए उर्दू ज्यादा निकल रही है। इस तीसरे और आखिरी एपिसोड को खत्म करने से पहले आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। एक कहानी है एन लुइलिए से जुड़ी, जिनका दूसरे और तीसरे एपिसोड में कई दफा जिक्र हुआ, जिन्होंने हायर हार्मोनिक्स जनरेशन की खोज की, एटोसेकेंड पल्सेस की नींव रखी। उनके बाल्यकाल से जुड़ा एक किस्सा है कि कैसे एन की साइंस में दिलचस्पी पैदा होती है। एन लुइलिए बताती है कि साल 1969 में जो मून लैंडिंग हुई थी, नासा के जो अपोलो मिशन थे जिनसे पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा, तब वो स्कूल में थी। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रख रहे थे तब फ्रांस में एन के सोने का वक्त था, वो सोने जा रही थी और दुनिया भर में टीवी पर इस मून लैंडिंग का लाइव प्रसारण चल रहा था। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रखने वाले थे तब एन की दादी ने उन्हें जगाया और कहा, देखो देखो क्या हो रहा है, इधर आओ टीवी देखो आओ। एन लुइलिए बताती है कि इस एक घटना ने उनकी चेतना पर बहुत गहरा असर छोड़ा। वो इस चीज से काफी इंस्पायर हुई कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बदौलत कोई इंसान पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में एक चट्टान पर कदम रख सकता है और वहां से वापस भी लौट सकता है। इसे एक घटना से साइंस की तरफ उनका रुझान बढ़ा और बाकी की कहानी तो आप जान ही रहे हैं, 3 एपिसोड से चल रही है। मैं ऐसे सोच रहा था कि अक्सर अपने देश में चर्चा चलती रहती है कि इसरो के मिशन पे इतना खर्च हो रहा है, उतना खर्च हो रहा है, क्या भारत को इतना पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें तमाम तरह के वाद विवाद होते हैं, आंकड़े पेश किए जाते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस लाए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इससे कितने लोग इंस्पायर होते हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं या और लोग देख रहे हैं, उनमें जो प्रेरणा आती है उसकी कोई कीमत नहीं आंकता है। इस चीज को नापने का कोई तरीका ही नहीं है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से कितने बच्चे इंस्पायर हुए होंगे, कितनों ने सपने पाले होंगे चांद पे जाने के, साइंस की तरफ कितने लोगों ने कदम उठाया होगा। मेरे को साइंस के साथ साथ स्पेस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑफ रॉकेट, सैटेलाइट्स। इन सपनों की कीमत, इस प्रेरणा की वैल्यू मेरी नजर में सबसे ज्यादा है। मैं इन वीडियोस की रिसर्च करने के लिए जबलपुर में एक लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ पढ़ता था। तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस का एक कोट लिखा हुआ था दीवार पे। बोस कहते हैं कि केवल मैन, मनी एंड मटेरियल के दम पर हम विजय हासिल नहीं कर सकते, हमारे पास एक प्रेरणा शक्ति होनी चाहिए जो हमें साहसी काम करने के लिए प्रेरित करे। मेरी नज़र में ना इस इंस्पिरेशन का मूल्य सबसे ज़्यादा है और वो किसी भी मटेरियल सक्सेस या किसी भी आंकड़ों से बहुत बड़ा है। मैं आपको इन वैज्ञानिकों की कहानी इतनी डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी जिज्ञासा बढ़े, आप इनसे प्रेरणा हासिल कर सके, जो प्रेरणा मुझे मिलती है। और मैं इसलिए ये वीडियोस बनाता भी हूँ क्योंकि रिसर्च करने में बहुत मजा आता है, इन लोगों की कहानियां जानने में। इंस्पिरेशन के बारे में कमाल की बात यह है कि जिससे आप प्रेरणा ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आपकी लिंग, जाति, देश या आपके समूह का हो। इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। भाई, फ्रांस की बच्ची एन लुइलिए को अमेरिकन की मून लैंडिंग से प्रेरणा मिल गई तो फिर आपको कौन रोक रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हमारे बीच के कुछ लोग, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जो हमारे बीच से ही उठ के निकले हैं, वो लोग कुछ मचाते हैं जीवन में, तो हमें अलग किस्म की खुशी होती है, उससे अलग किस्म की प्रेरणा मिलती है, वो थोड़ी ज्यादा होती है, ये बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं, बस उनकी कहानियां हम तक नहीं पहुंचती हैं। और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि हमारे आसपास ऐसे लोगों की कमी है, तो आप बनिए ना ऐसे लोग, आप अपने समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए, कुछ मचाइए जीवन में। इससे इतर कुछ दिन पहले मैं आचार्य रजनीश को सुन रहा था, ओशो को। उनसे किसी ने पूछा कि मन नहीं लगता, इससे रिलेटेड कुछ सवाल था, तो एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, ये सब पूछा जा रहा था। तो ओशो बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि एकाग्रता लाई नहीं जाती है। किसी भी काम में जो आप कर रहे हैं उसमें रस उत्पन्न होना चाहिए, उसमें आपको मजा आना चाहिए, और एकाग्रता उस रस का परिणाम होती है, उसका बाय प्रोडक्ट होती है। तो ये बड़ी सही बात लगी मुझे कि यार, आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें रस लेने की कोशिश करो, मजे लेने की कोशिश करो, या आप बहुत कोशिश करने के बाद भी उसमें रस नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको रस आता हो, तभी एकाग्रता आएगी, तभी सारी चीजें होंगी, फोकस से आप कुछ कर पाएंगे और तभी आप कुछ कायदे का उखाड़ पाएंगे जीवन में, जब आप रस के साथ काम करेंगे। देखो, ऐसा नहीं है डिसिप्लिन काम नहीं आता, डिसिप्लिन कुछ हद तक काम आता है, लेकिन आप कुछ बहुत अच्छा तभी कर पाएंगे जब आप रस और उसके बाय प्रोडक्ट एकाग्रता के साथ कोई काम कर पाएंगे। तो यार, बेसिकली मजे करो और कुछ बढ़िया करो, फिर आपकी भी कहानी किसी वीडियो में हम सुनाएंगे। देखो, कॉन्टेंट मिलना चाहिए, तो तुम कॉन्टेंट बनाओ हमारे लिए, कहानियां बनाओ, ठीक है, फिर हम सुनाएंगे। जोक्स अपार्ट, अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन वगैरह में हमने लिंक की सारी व्यवस्था कर दी है, पिंड कमेंट और यहाँ सब, आप जरूर जाकर देखिए। और आप इतने अंत तक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जो लोग अंत तक वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के लिए, इस सीरीज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माया महाठगिनी हम जानी।